तेज रफ्तार का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत देखने को मिली है। इस भिड़ंत से हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिंगरौली जिले में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। मोरवा से गोरबी की ओर जा रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो रास्ते में जा रही एक ट्रेलर से टकरा गई, जिससे स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और इस भीषण सड़क हादसे में स्कॉर्पियो चालक को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। वहीं दो अन्य लोग भी घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि हादसा काफी भीषण था, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई है। हाँ, ये करीब 11:30 बजे की बात है। एक्सीडेंट निश्चित रूप से बहुत गंभीर हुआ है। स्कॉर्पियो बहुत तेज तेज से दिखाई दे रहा है। इस घटना स्थल पर पूरी तरह से स्कॉर्पियो खत्म हो, इसमें तीन लोग बहुत बुरी तरह घायल हुए हैं। तीनों को तत्काल पुलिस मौके पर पहुँच गई थी और उन तीनों को अस्पताल भिजवा दिया गया है। तीनों नेहरू अस्पताल में इलाजरत हैं और ट्रेलर को पुलिस ने जब्त कर लिया है। ड्राइवर मौके से भाग गया था। पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।